गाइस, टाइटल और थंबनेल देखकर के आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको टॉप 10 ऐसे एआई टूल बताने वाले हैं जिसके मदद से जो कि आप वीडियो से आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी तरीके के आपके पास नोट है या किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग है, या यूट्यूब का वीडियो हो या क्लास का वीडियो हो, किसी भी तरीके के आपके पास फाइल हो, MP3 फाइल हो या वीडियो फाइल हो, उससे जो कि आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं, आप अपना नोट रेडी कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक राइटर हैं या आप एक क्रिएटर हैं या आप एक ब्लॉगर हैं कि यूट्यूबर हैं और आपका जो कि स्क्रिप्ट का कमी है, तो आप गूगल के अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो भी वीडियो आप देखते हैं, जो भी आप कंटेंट देखते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशनल का हो या किसी भी तरीके की XYZ का जो वीडियो होता है, इसको अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए जो कि स्क्रिप्ट रेडी करें, वो जो कि आप इस मेथड का इस्तेमाल करके जो कि आप कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। जी हाँ, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें, जो भी नए लोग आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आते रहता है। तो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है bit.io और ये यहाँ पे आ जाएगा, सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। गाइस, ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आता है और यहाँ पे जो कि आपको गेट स्टार्ट फ्री वाला इस पे जो कि आपको क्लिक कर देना है। गाइस, ये एक ऐसा AI टूल है, इस पे जो कि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, जैसे कि आप क्रिएट प्रोजेक्ट यहाँ पे जो कि आप वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो कि अलग अलग यहाँ पे जो कि अवतार वगैरह भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो कि वीडियो को कन्वर्ट करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे लेकर के चला आएगा। यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट में जो कि हम लोग मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से जो कि एक वीडियो या आपके पास जो स्क्रिप्ट है वो जो कि आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट का यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट है, इसे जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ चुका है, ठीक है। इसके बाद सेकंड हम लोग को यहाँ पे सबटाइटल का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ऑटो ट्रांसक्राइब, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे और भी लैंग्वेज रहेगा सिलेक्ट, तो यहाँ पे आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। क्रिएट सबटाइटल, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको वेट करना है। गाइस, कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना सबटाइटल क्रिएट हो चुका है, ऑल सिलेक्ट करने के बाद जितना भी है, और इसे यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कि कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ पे सबटाइटल आ गया। सिंपल किसी भी तरीके के जो कि नोट पैड है जो कि हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, वर्ड ओपन करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, अपने साइलेंट की पावर ये इतना है लाइन, इसे जो कि यहाँ से प्ले करते हैं। दोस्तों, अपने साइलेंस की पावर के बारे में, यानी कि हम लोग का ऑलमोस्ट रेडी है। तो आप इस तरीका से जो कि इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और सिंपल आपको यहाँ पर से जो भी आप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है जो कि इसे सेट कर करके और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना वीडियो को या आप अपना नोट को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रिक को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो कि आप हमेशा जो कि इसका इस्तेमाल करिएगा। अब मेरा फेवरेट टूल में से नंबर 1 का है, इसी का है जो कि एक और मेरा है जो कि फेवरेट टूल है, इससे भी वो बेस्ट है। यानी कि वो अगर आप हिंदी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा वर्ड जो कि इंग्लिश में आ रहा है ना, वो एक ऐसा टूल है मेरा फेवरेट, जिसमें जो कि ऑल यहाँ पे आपको इंग्लिश का जो भी वर्ड है वो भी है जो कि हिंदी में करके देता है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता तो आप आराम से जो कि हिंदी पढ़ के तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी हाँ, उस टूल को जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है, वो हम आपको कहीं पर भी बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कि नेक्स्ट AI टूल है, और यहाँ पे आने के बाद आपको टाइप करना है mistra.ai और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद 2 ऑप्शन आता है, यहाँ पे जो कि सबटाइटल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जो कि ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। सिंपल आपको ट्रांसक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद ये देख सकते हैं अपने पास स्क्रिप्ट है, ये 4 मिनट 39 सेकंड का ये जो ऑडियो है, इसे जो कि MP3 को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको लैंग्वेज है जो कि सिलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे हम हिंदी इंडिया और ये आ गया। यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कि अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया, यानी कि प्रोसेसिंग हो रहा है। अब हमें वेट करना होगा। गाइस, इससे पहले जो कि देख सकते हैं ये सब बुक है जो कि हम काम किए हैं, जैसे यहाँ पे जो कि एक ये है समरी का बुक, समरी कहा एक यहाँ पे है, तो इस तरीके के हम काफ़ी बार जो कि ये सब को इस्तेमाल करते रहते हैं बीच बीच में। नेक्स्ट AI टूल है वो जो कि यहाँ पे टाइप करना है ट्रांसक्रिप्टर और ये यहाँ पे आ जाएगा, सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद ट्राई इट फ्री, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लेकर के चलाएगा। और यहाँ पे आने के बाद अगर आपको गूगल से डायरेक्ट अगर आप किसी भी वीडियो को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका जो कि URL ला करके आपको यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है, यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करना और यहाँ पे ट्रांसक्राइब पे आपको क्लिक करना और ये जो कि ट्रांसक्राइब होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑडियो फाइल है या आपके पास किसी भी तरीका के MP4 या MP3 फाइल है, तो यहाँ पे
क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद जो भी आपका फाइल है उसे जो कि सिंपल यहाँ पे अपलोड कर देना, जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे जो कि स्टैंडर्ड रहने देना और यहाँ पे ट्रांसक्राइब पे क्लिक कर देना, पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया। गाइस थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीका का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरीका का जो कि रेडी हो चुका है। आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करना है और आपका जो भी नोट पैड है उस नोट पैड में ले जा करके जो कि आप यहाँ पे सिंपल उसी तरीका से पेस्ट कर दीजिए और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ है कि आपको एक एक करके कॉपी करना होगा एक एक लाइन में इस तरीका से। तो इस तरीका से जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुकिंग से रिलेटिव है जो कि अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए नेक्स्ट AI टूल काफी बेस्ट होने वाला है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको टाइप करना वीडियो टू रेसिपी और यहाँ पे आ जाएगा। सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको किसी भी तरीके की YouTube का जो कि आपको रेसिपी कार्ड ले आना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं इसे, जो कि यहाँ से URL कॉपी करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लाने के बाद पेस्ट करेंगे और थोड़ा सा वेट करना होगा। तो गाइस ये है जो कि वीडियो है, इसे प्ले करते हैं। गैस के ऊपर हमने रख दिया है एक बर्तन, इसमें डाल देंगे 3-4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। जो भी इस वीडियो में बताया गया उसका जो कि देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट फॉर्मेट में आ गया है। तो आप इस तरीके से सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करना है और अपने नोटपैड में अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दे, जो भी नए लोग आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरीके का जो कि नेक्स्ट AI टूल है वो जो कि सभी के लिए, वो अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में या उर्दू में या किसी भी फॉर्मेट में जो कि अगर आप अपना यूट्यूब वीडियो को या किसी भी तरीके के वीडियो को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो जो कि उसमें कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे और ये ओपन हो करके आ जाएगा और इसका कुछ इस तरीका का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आने के बाद किसी भी तरीका के आपका YouTube चैनल है उसका जो कि आप यहाँ पे URL कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मोटिवेशनल का जो कि हम यहाँ पे आने के बाद इस वीडियो का जो कि URL कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करेंगे URL, अब वो पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में जो कि यहाँ पे कन्वर्ट कर करके दे दिया है, स्क्रिप्ट फॉर्मेट में आ गया है। इसी तरीका के जो कि आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट AI टूल है उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको टाइप करना morph.ai और ये यहाँ पे लेकर चलाएगा। ओपन स्टूडियो पे आपको क्लिक करना है, अगर आपका साइनअप नहीं है तो आपको साइनअप कर लेना है। यहाँ पे लेकर के चलाएगा, यहाँ पे आपको चेंज वॉइस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो कि और इसे यहाँ पे अपलोड में लगाएंगे और यहाँ पे जो कि देख सकते हैं कि अपलोड में लग गया। अब सिंपल आपको यहाँ पर लैंग्वेज जो कि आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मेरा लैंग्वेज हिंदी है, सिलेक्ट करेंगे यस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर जो कि कन्वर्ट करके आ गया है कुछ इस तरीका के। अब ये यहाँ से जो कि या तो आप कॉपी करके ले जा सकते हैं या आप सिंपल आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट फॉर्मेट है, स्क्रिप्ट फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कि वर्ड में टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेट में आप चाहे उस फॉर्मेट में आप यहाँ से सिंपल ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो गया। तो आप इस तरीके से जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट AI टूल है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लोग टाइप करेंगे ब्लैक बॉक्स और यहाँ पे आ जाएगा। सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये उसके लिए जो डेवलपर है या इस तरीके के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये खास कर है, ऑनलाइन क्लास वगैरह कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से जो कि यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ पर जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट AI टूल है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लोग टाइप करेंगे Inthigo.com, सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे। किसी भी तरीके का आपके पास वीडियो है उसका जो कि सिंपल आपको URL कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ला करके आप पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसक्राइब पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में आपका वीडियो इस तरीका से जो कि ट्रांसक्राइब करके आ गया। इसी तरीका से जो कि आप जो भी लैंग्वेज आप चाहे वो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती जो भी आपको चाहिए वो है जो कि आप कर सकते हैं। और यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, हिंदी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ट्रांसक्राइब करेंगे। थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये यहाँ से जो URL कॉपी करके लाए हैं और यहाँ पे डाले हैं और यहाँ पे जो कि टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। सिंपल आपको यहाँ पे कंट्रोल ए करना है इस तरीका से, कंट्रोल सी करना है या इस तरीका से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आने के बाद वर्ड एक्सेल या किसी भी तरीका के जो कि आपके पास नोट पैड है उसमें जो कि ला करके पेश कर दीजिए और अपने हिसाब से जो कि इसे मतलब मॉडिफाइड कर सकते हैं और अपना स्क्रिप्ट को रेडी कर सकते हैं, नोट को रेडी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था कुछ AI टूल, इसके मदद से जो कि आप अपने वीडियो को जो कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी तरीके का जो कि यूट्यूब का वीडियो हो या किसी भी तरीके का जो कि सोशल मीडिया का जो कि वीडियो को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना नोट बना सकते हैं या आप अपना स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं या आप अपना ब्लॉग के लिए
कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी के अलावा जो कि हम अपने तरफ से जो कि एक आपको बोनस के तौर पे जो कि एक टूल बताने वाले हैं, वो जो कि आपके सामने रहता है, शायद आपको नहीं पता है, वो टूल उनके लिए काफी काम करता है जो इंग्लिश में अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो हर जगह से जो कि वो चाहे तो कंटेंट निकाल सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप यूट्यूब पे आ जाना, यहाँ पे आने के बाद आप सिंपल यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। एक रिपोर्ट का आता है ऑप्शन, सेकंड है जो कि यहाँ पे शो ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करना। गाइस ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो का यहाँ पे कितना सेकंड में कितना क्या बोला गया ये सब है जो कि यहाँ पे इस तरीका क्या गया। अगर आप चाहें तो इसी को जो कि सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसे जो कि आप अपने वर्ड या मतलब अपने नोटपैड में यहाँ से ले जा करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाना अपने नोटपैड में, इस तरीका से जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो है टाइम, ये टाइम नहीं आए, उसके लिए क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, टुगेल टाइम लाइफ से इस पे आपको क्लिक करना है, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। सिंपल आपको यहाँ से इस तरीका से कॉपी कर लेना है और यहाँ से जो कि आप अपना नोटपैड में जो कि इस तरीका से पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपने हिसाब से जो कि मॉडिफाइड करके आप अपने नोट को या आप अपने स्क्रिप्ट को रेडी कर सकते हैं। गाइस ये सब AI टूल में से जो कि कौन कौन सा टूल है जो कि आप पहले से जानते थे, आप हमें कमेंट करके जरूर बतावे। साथ ही साथ ये सभी टूल में से जो कि कौन सा टूल है जो कि आपको सबसे बेस्ट लगा, ये भी है जो कि कमेंट करके बतावे। गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो कि शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।